100% लिख कर दे, बात समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, बट तब तक देरी हो चुकी होगी। और आपको ये बात समझ में आएगी कब, जब आप जॉब पर जाओगे और जब आपको कोई सपोर्ट नहीं रहेगा और तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, करो या मरो यही सिर्फ आपका अभी रहेगा स्टाइल, तब आपको काम करना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा, बात खत्म। ऑप्शन ही नहीं छोड़ता भगवान फिर इस वर्ल्ड में आए ना, तो एज लॉन्ग एज यू आर हिट एंड फिट, तुमको जाकर काम करना ही पड़ेगा। फिर तुम मजदूरी करो, तुम रिक्शा वाला बनो, तुम कोई और काम करो, तुम क्लरिकल काम करो, काम करना पड़ेगा, बात तय। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। एग्रीगेट करती है ऐसे बराबर से खड़खड़, पास इधर फेल इधर। फेल वालों के लिए फिर नेक्स्ट दुनिया चालू होगी। आज के 3-4 साल तक आपके माता पिता आपको संभालेंगे और उसके बाद में बोलेंगे बेटा अब काम करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। और तब तुमको जो तुम्हारी यथाशक्ति रहेगी तब तुम वो काम कर लोगे। उस केस में तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है कोई इज्जत नहीं करता, आपको काम दे दिया जाता है और आपको करना पड़ता है और भाग कर जा नहीं सकते तुम, क्योंकि अगर हो तो काम करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं देता एज लॉन्ग एज यूर फादर इज समथिंग बिग शॉट। और दूसरा ऑप्शन जहां पर बच्चे लोग पास होते हैं उनके पास अपने ड्रीम्स को पाने का रास्ता मिलता है, वो आगे जाते हैं। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, स्ट्रगल निश्चित है तुम्हारी, 110% मैं लिख कर दे सकता हूँ कि तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा। एक जरिया है कि फेल हो गए, फेल होने के बाद में तुम्हें मार्केट में छोड़ा जाएगा, वहां पर काम करना पड़ेगा। अब वहां पर ठोकर मार मार के लोग सिखाएंगे और जिंदगी भर तक स्ट्रगल रहेगी। और एक दूसरा वाला चैनल है जहां पर आप पास हो जाते हो, पास होने के बाद में आपको पास होते वक्त बहुत स्ट्रगल रहती है और उसके बाद में आप रियल लाइफ में जाते हो, वहां पर आपको चीजें आती है क्योंकि आप सीख के आए हुए हो, आपको पता है कि स्ट्रगल कैसे करना है, तब आप आराम से सेल आउट हो जाते हो। तुम अपने दिल से पूछना, जब आपके सर आनंद सर यहां पर आकर बैठते हैं तो क्या वो हर रोज अभी ये पढ़कर आते हैं या हाथ हिलाते हुए आते हैं खाली तुम्हारे सामने, पढ़ाते और जाते हैं? टुडे माई लाइफ इज वेरी इजी, बट देयर वर द डेज व्हेन आई हैड टू स्ट्रगल, आई हैड टू फिगर इट आउट हाउ आई हैव टू टीच, आई हैड टू फिगर इट आउट व्हाट इट इज, व्हाई इट इज, हाउ डू आई हैव टू एक्सप्लेन द लॉजिक। तुम्हें क्या लगता है एक टीचर को किसी ने सिखाकर भेजा कि जा आनंद ऐसे पढ़ा? ये मेरी स्टाइल है जो मैंने डेवलप की है। वैसे ही अगर तुम कॉमन नहीं बनना चाहते हो तो खुद की स्टाइल डेवलप करो, खुद पढ़ाई करना शुरू करो, खुद इंटरप्रेट करना शुरू करो। एक टीचर सिर्फ आपका फैसिलिटेटर हो सकता है, फैसिलिटेटर हो सकता है, ही कैन हेल्प यू आउट टू मूव अहेड, ही कैनॉट रन अलॉन्ग विथ यू। मैं तुम्हें भागना सिखा सकता हूँ, तुम्हारे साथ भाग नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ 2 घंटे यार, तुम दिन भर में तुम्हारे पास इतना समय रहता है, मैं 2 घंटे में तुम्हें पास कैसे करा सकता हूँ यार? मैं या तो सिखा सकता हूँ या लो ये कुछ तो प्रैक्टिस करा सकता हूँ। इधर ऑफ द वन थिंग, प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता, इसीलिए मैं कोई चीज़ ऐसे नहीं लिखता कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं भाई, तो पढ़ेगा तो ही होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। प्रत्येक क्लास का अपना एक एजेंडा होता है, एजेंडा में फंसो मत, तुम्हें बता रहा हूँ अभी भी। तुम इंसान हो और इंसान इधर से सोचता है, सोचोगे तो हो जाओगे बस। और जो ऐसा सोचते हो कि नहीं भाई मेरे को तो कर कर ही मिलेगा, मेरे को तो सर पास करा देंगे, तो भाई मूर्ख है तू, ऐसा नहीं होता बेटा, कहीं नहीं होता। तो सारे बच्चे पास हो जाते हैं, अगर कोई कर कर देता भाई पास करा दूंगा तो सारे बच्चे पास होते।